नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 26 सितंबर 2016 को कोझिकोड केरल में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, गांव, गरीब, किसान, ये हमारे राजनीतिक नारे नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है और सबका साथ सबका विकास। ये विचार जब तक हम प्रस्तुत करते हैं तब समाज का आखिरी छोर का व्यक्ति यही हमारी आराधना का केंद्र होना चाहिए। हम भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बने, लेकिन हम भी आज उसी जगह पे आए ताकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें भारत की राजनीति, भारत की जड़ों से जुड़ी हुई हो, ये जो हमें मंत्र दिया था, उस मंत्र को फिर से एक बार चेतना देना, नए उमंग और नए उत्साह के साथ फिर एक बार चल पड़ना, किसी भी राजनीतिक दल के लिए सत्ता के सिंहासन पर पहुंचना एक प्रकार से यात्रा का अंत ही होता है। उसे लगता था जिस काम के लिए निकले थे पहुंच गए। इस देश के एक प्रधानमंत्री को एक बार पूछा गया था कि आप कितना समय प्रधानमंत्री पद पर रहोगे, क्योंकि बड़े अस्थिरता के माहौल में वो प्रधानमंत्री बने थे। तो उन्होंने जवाब दिया था उस पत्रकार के सामने देख करके कि भाई, जो एवरेस्ट पर जाता है वो वहां घर बसाने के लिए जाता है क्या? वहां रहने के लिए जाता है क्या? एक बार पहुंच गया इतिहास लिख लेगा कि हम एवरेस्ट पर पहुंच गए। बोले, मैं एक बार प्रधानमंत्री बन गया, आगे रहूं या डर रहूं, हम वो यात्रा के यात्री नहीं है। हम सब लोग लेने पाने बनने के लिए निकले हुए लोग नहीं है। अगर लेना पाना बनना होता तो अपनी राजनीतिक यात्रा में हम भी कई सारे समझौते कर लेते। 50-50 साल तक विपक्ष में भूमिका निभाने के बजाय खुद के लिए जगह बनाने की कोशिश करते। लेकिन इस दल का मूल चरित्र रहा, इस दल के कार्यकर्ताओं का मूल चरित्र रहा कि जिन आदर्शों को लेकर के चल पड़े थे, उन आदर्शों की पूर्ति के लिए चरैवेति 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 का मंत्र लेकर के जन सामान्य के कल्याण के लिए अपने आप को खपा देंगे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनकी हम शताब्दी मनाने जा रहे हैं, वे हमें यही तो मंत्र देके गए थे, अंत्योदय, दरिद्र नारायण। और शास्त्रों ने भी तो हमें सिखाया है, जनसेवा ही प्रभु सेवा। 125 करोड़ का देश हो, 800 मिलियन, 65% लोग
35 से कम आयु के हो, जिस देश की जवानी लबालब जवानी से भरा हुआ देश हो, उस देश के सपने भी जवान होने चाहिए, उस देश के संकल्प भी जवान होने चाहिए और उस देश की यात्रा की गति भी जवान को शोभा दे ऐसी होनी चाहिए। और इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिन बातों को हमें कहा है, ये शताब्दी का वर्ष हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक अल्टरनेटिव राजनीतिक चिंतन क्या हो सकता है, विचार और आचार में साम्यता क्या हो सकती है, आचार के माध्यम से राजनीति में पुनः प्रतिष्ठा का माहौल हम बना सकते हैं, हम चाहें या न चाहें। जब आजादी का आंदोलन चलता था तो आजादी के दीवाने, आजादी के लिए मर मिटने वाले लोग उस समय की हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत हुआ करते थे, लेकिन आजादी के बाद राजनीतिक जीवन में जो बदलाव आया, राजनीतिक जीवन में जो गिरावट आई, सार्वजनिक जीवन में आचार के प्रति आशंकाओं का माहौल बना और एक ऐसा वक्त आ गया कि बेटा पब्लिक अपने दोस्तों को ये कभी परिचय नहीं करवाता है कि मेरे पिता नेता है, उसे कभी कभी मन में संकोच होता है, शायद दोषी कुछ लोग होंगे, कुछ लोगों के आचरण के कारण लोकतांत्रिक जीवन में अगर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में इस प्रकार की गिरावट जनसामान्य के मन में प्रस्थापित हो जाए तो उससे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का होना बड़ा स्वाभाविक है, जनप्रतिनिधियों का होना अनिवार्य है, भारतीय जनता पार्टी के नाते पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी हम मना रहे हैं, तब हम आचार और विचार के माध्यम से देश के सामान्य नागरिक के मन में फिर से एक बार इस इंस्टीट्यूशन की प्रतिष्ठा पुनः प्रस्थापित कर सकते हैं क्या? राजनेताओं की तरफ लोगों का देखने का दृष्टिकोण हम बदल सकते हैं क्या? हमारे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, दल के लिए नहीं, देश के लोकतंत्र के लिए आवश्यक हुआ है कि हम सच्चे अर्थ में एक अल्टरनेट क्या होता है, सब कुछ डूब चुका है, ये गलत है, अब भी आशा जीवित है, अब भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है और अच्छाइयों के साथ चलने वाले लोग आज भी है, ये विश्वास पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी में अगर कोई निभा सकता है, अगर उसे कोई कर सकता है तो प्रमुख रूप से कोई और नहीं कर सकता, ऐसा मैं नहीं मानता, और दलों में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन हमारे पास शायद ये मात्रा ज्यादा होगी,
क्योंकि हम कई बीमारियों से बचे हुए लोग हैं, लेकिन बीमारी इतनी फैल चुकी है कि अपने आप को बचाए रखने के लिए सतत जागरूक रहना पड़ता है, सतत पुरुषार्थ करना पड़ता है। हमारे सभी वरिष्ठ महानुभावों ने जैसा हमारा लालन पालन किया है, हमें तैयार किया है, और आज जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की शताब्दी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, तब हम विचार और आचार के माध्यम से उन आदर्शों के लघु प्रतीक भी बन सकते हैं क्या, एक छोटे प्रतीक भी बन सकते हैं क्या, इससे बड़ी श्रद्धांजलि उनके लिए क्या हो सकती है। दीनदयाल उपाध्याय जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इसी बात को लेकर के काम करते थे, और वो कहते थे समाज का कोई भी अंग हमारे लिए अछूत नहीं होना चाहिए। समाज के सभी लोगों के प्रति, सभी वर्गों के प्रति, सभी पंथों के प्रति हमारा भाव क्या हो, आज से 50 साल पहले जो लोग जनसंघ को समझने की गलती करते थे, जो लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी को समझने की गलती करते हैं, और जो कुछ लोग जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी को गलत प्रस्तुत करने का अविरत प्रयास करते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, खास करके हमारे यहां सेकुलरिज्म का जो एक विकृत परिभाषा चल रही है, हमारे यहां देशभक्ति को भी कोसा जाता है, इस प्रकार का माहौल बना दिया गया है, ऐसे समय माइनॉरिटी की तरफ देखने का दृष्टिकोण क्या हो। मैं 50 साल पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कहा था, ताकि जिन लोगों को गलत फहमी हो उनको सोचने के लिए मजबूर करने वाली बात है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, मुसलमानों को न पुरस्कृत करें और न ही उनको तिरस्कृत करें, बल्कि उनका परिष्कार करे। मुसलमानों को न वोट की मंडी का माल और न ही कोई घृणा की वस्तु समझे, उसे अपना समझे। पचास साल पहले दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमारे सामने विषय रखा, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, गांव, गरीब, किसान, ये हमारे राजनीतिक नारे नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, सबका साथ सबका विकास, ये विचार जब हम प्रस्तुत करते हैं तब समाज का आखिरी छोर का व्यक्ति, यही हमारी आराधना का केंद्र होना चाहिए, और यही तो अंत्योदय की सीधी सादी सरल परिभाषा है।